देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। आम इंतखाबात का पहला मरहला 19 तारीख को मुकम्मल हो गया। 102 सीटों पर इंतखाबात हुए हैं। तमिलनाडु की सभी सीटों पर इंतखाब हुआ है। 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। उन तमाम की किस्मत का फैसला 4 जून को होना है। पिछले 10 साल से जो ग्रुप हुकूमत कर रहा था उसे आप देख रहे थे, उसके अचीवमेंट्स भी आपके सामने हैं, उसकी खामियां भी आपके सामने, उसकी खूबियां भी आपके सामने हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी में मैं इस इलेक्शन पर कोई तबसरा करने नहीं बैठा हूं, बल्कि एक दिलचस्प स्टोरी आपको बताने के लिए बैठा हूं। इस स्टोरी का ताल्लुक सीधे पाकिस्तान से है। पाकिस्तान आप मीडिया में सुनते होंगे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के हवाले से कोई मुस्बत बात आप नहीं सुन सकते हिंदुस्तानी मीडिया में। और यही हाल उस तरफ भी है कि वहां का जो मीडिया है वो भी हिंदुस्तान के ताल्लुक से कभी कोई मुस्बत बात नहीं करता, कोई पॉजिटिव बात नहीं करता। लेकिन इस दरमियान जो लोग भी समझदार लोग हैं दोनों तरफ, वो दोनों तरफ की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो उसका जिक्र करते हैं। और आज इसी तरह का जिक्र करने के लिए, इसी तरह की गुफ्तगू करने के लिए, इसी तरह की स्टोरी बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम बताएंगे आपको कि हिंदुस्तानी जमहूरियत और पाकिस्तान से उसका क्या कनेक्शन है। 70 साल गुजर जाने के बावजूद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जमहूरियत और चुनावी निजाम मजबूत नहीं हो सका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की बुनियाद यानी आईन और इंतखाबात में हमारा मुल्क कुछ मामलों में पाकिस्तान का आज भी कर्जदार है। जी हाँ, जब दिसंबर 1946 में हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आई, हिंदुस्तान के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई से इलेक्शन हार गए। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें हराने में अहम किरदार अदा किया था। ये रिसर्च का विषय है, इस पर मैं बहुत सारा बातें आगे नहीं बता सकूंगा। लेकिन उस वक्त दलित रहनुमा जोगिंद्रनाथ मंडल और हुसैन शहीद सहरवर्दी की हिमायत पर मुस्लिम लीग की हिमायत से जसवर खिलना सीट, जो अब बांग्लादेश में है, से उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और कामयाबी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर के लिए अपने मेंबर का इस्तीफा लिया और उस सीट पर बाई इलेक्शन इंतखाब कराया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीत गए और उसके बाद उन्हें आईनी कमेटी का यानी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान लागू होने के बाद अम्बेडकर पहले आम चुनाव में दोबारा इलेक्शन हार गए। दूसरे आम चुनाव के वक्त वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हिंदुस्तानी इलेक्शन से एक और पाकिस्तानी ताल्लुक ये है कि वोटिंग के वक्त वोटर की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही एक पाकिस्तानी साइंसदान ने ईजाद की थी। जाली वोटों को रोकने के लिए उंगली पर स्याही लगाई जाती है और कई दिनों तक उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो साहब नेशनल साइंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के बानी चेयरमैन थे। वो कद्दावर मुस्लिम लीगी लीडर चौधरी खलीकुज्जमा के भाई थे और बंटवारे से पहले CSIR में काम करते थे। साबिक गवर्नर और ब्यूरोक्रेट गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि महात्मा गांधी के पोते हैं, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव से पहले उस वक्त के बरतानवी हुक्मरानों ने काउंसिल के सरबराह शांति स्वरूप भटनागर से दरखास्त की थी कि वो एक रास्ता तलाश करें जिससे जाली वोटों को रोका जा सके। शांति स्वरूप भटनागर ने यह जिम्मेदारी अपने नायब सलीमुज्जमा को सौंपी। भटनागर खुद एक मशहूर केमिस्ट्री के माहिर थे। उन्होंने सलीमुज्जमा को सिल्वर क्लोराइड पर गर्भपात करने की हिदायत की। इस बात का भी ख्याल रखना था कि केमिकल इंसानी चमड़ी को नुकसान न पहुंचाए। कहा जाता है कि सलीमुज्जमा ने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को मिलाकर एक ऐसा घोल तैयार किया जो एक स्याही बन गया, बनकर तैयार हुआ। बंटवारे के बाद सलीमुज्जमा पाकिस्तान चले गए, लेकिन अपनी स्याही को हिंदुस्तान में ही छोड़ दिया। यह स्याही 1951 में पहले आम चुनाव में इस्तेमाल हुई और उसके बाद से अब तक हर इलेक्शन में इस्तेमाल होती है। कागजी बैलेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ने तो ले ली, लेकिन इस स्याही का अब भी कोई बदल नहीं है। हिंदुस्तान अब इस स्याही का बड़े पैमाने पर कारोबार करता है और इसे दर्जनों ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। यह स्याही दुनिया के 31 ममालिक में चुनाव के दौरान इस्तेमाल होती है। गोपाल कृष्ण गांधी ने तजवीज पेश की है कि इस स्याही का नाम सिद्दीकी इंक रखा जाए ताकि इसकी खोज करने वाले का नाम इसके साथ जुड़ जाए, लेकिन मौजूदा निजाम में शायद ही कोई उनकी तजवीज पर कान धरेगा। पाकिस्तान ने इस तजवीज को कबूल करते हुए इसे सिद्दीकी इंक नाम दे दिया है। आप देख रहे थे एशिया टाइम्स, आप हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरह से हम आपके सामने कुछ आने वाले दिनों में कुछ और दिलचस्प स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो हमें आप सोशल मीडिया पर जाएं, हमारे पेजेस को शेयर करें, लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें। शुक्रिया।